गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं 11th होम साइंस लेसन 5th कपड़े हमारे आसपास के क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से अपने नोटबुक में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न इसका है, विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनी दैनिक उपयोग की 5 वस्तुओं के नाम बताइए। जो भी हम दैनिक उपयोग में प्रयोग करते हैं, कपास, लेनिन, ऊन, रेशम, नायलॉन के वस्त्रों को जब हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में ही, दैनिक उपयोग में हम क्या क्या चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनी दैनिक उपयोग के कपड़ा वस्त्रों से नाम निम्न है। कपास, कपास से क्या बनते हैं, सर्जिकल कॉटन, तकिए की रजाइयाँ, भरना, ठीक है। लिनन से पर्दे बनते हैं, तकिया, कवर, चादरें, ऊन, स्वेटर, कार्डिंग, शॉल। रेशम से दुपट्टा, रुमाल, साड़ी। नायलॉन से जुराब, तैराकी सूट, दस्ताने आदि, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र रेशों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, संक्षेप में उनकी विशेषता बताइए। वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, वस्त्र रेशों का वर्गीकरण उनके उद्भव के आधार पर, जैसे कि प्राकृतिक, मानव निर्मित, विनिर्मित, सामान्य, रसायन प्रकार के आधार पर, जैसे कि सेलुलोज, प्रोटीन, सिंथेटिक, जातिगत प्रकार के आधार पर, जैसे कि जंतु रेशे, जंतु स्राव, सामान्यतः ट्रेड के आधार पर, जैसे कि पॉलिस्टर, टेरिलिन, डक्रॉन किया जा सकता है। इसके साथ ही वस्त्र के रेशों के कम लंबाई वाले, जैसे कि कपास, तंतु अधिक लंबाई वाले, जैसे कि रेशम, पॉलिस्टर आदि, कोटि में बांटा जा सकता है। रेशों के उद्भव के आधार पर वर्गीकरण के निम्न कोटि में बांटा जा सकता है। उद्भव के आधार पर रेशों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राकृतिक रेशे, विनिर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो कि रेशों के रूप में प्रकृति में हमें पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे 4 प्रकार के होते हैं, सेलुलोज रेशे, सेलुसोलिक रेशे, सीड हेयर्स, कॉटन, कापोक, वॉस्ट रेशा, लिनन, हेस्ट, हेम, जूट, लीफ रेशा, अनानास, सीलस, नट हस्ट रेशा, नारियल का। प्रोटीन रेशा है जंतु रेशा, ऊन विशिष्ट बाल, बकरी, ऊंट, फर रेशा, जंतु जातव रेशा। खनिज रेशे में है एस्बेस्टस, प्राकृतिक रबड़, ठीक है। विनिर्मित रेशे मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए रेशों का इसमें अंतर आ रहा है। इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहा जा सकता है। सबसे पहले विनिर्मित रेशा रेयन वाणिज्यिक रूप से 1895 में निर्मित किया गया था, जबकि अन्य अधिकांश रेशे 20वीं सदी के उत्पाद हैं। गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय सामग्री तंतुमय के प्रकार में बदल कर सभी प्रकार विनिर्मित होने के रेशों को बनाया गया है। मुख्यतः सेलुलोसिक पदार्थ जैसे कि कंपास, अपशिष्ट लकड़ी की लुगदी से बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के रेशों की तरह रसायनों का प्रयोग संश्लेषित किया जा सकता है। विनिर्मित रेशों के प्रकार में सेलुलोज पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा, रेयन, विस्कोस, अति आद्र मॉड्यूलर्स है, अशोधित मॉड्यूलर्स, एसिट्रेट, सेक्रेटेड एसिट्रेट, टाइसेट्रेट, प्रोटीन से अनजॉल, ठीक है। इसके बाद है गैर सेलुलोज रेशा। गैर सेलुलोज रेशा नायलॉन है, पॉलिस्टर है, लेनिन है, टेरिन है, एक्रीमिक है, ऑर्लन है, कैशमिलॉन है, मोडिक्लिक है, स्पैडेक्स है, रबड़ है। खनिज रेशा ग्लास, फाइबर ग्लास, मेटेलिक, ल्यूरेक्स। रेशों की विशेषता, विभिन्न वस्त्रों की विशेषता अग्रलिखित है। कपास, कपास के नमी रेशों सोखने की क्षमता अधिक होती है, यह सरलता से सूख जाता है, इसलिए गर्मियों में इसका उपयोग आरामदायक होता है। लिनन के लिए बनाए हुए सूत मजबूत चमकीला होता है, कपास की तरह नमी के तत्काल सोख लेता है, इसलिए आरामदायक होता है। ऊन, इसमें लचीलापन सूक्ष्मता होती है, ऊन के सतही होते हैं, इसमें जल विषयक होते हैं, इसलिए आद्र और पर्यावरण को आरामदायक होते हैं ठंडे में, ठीक है। रेशम तंतु बहुत ही सूक्ष्म, लंबे और चमकीले होते हैं, मजबूती, सुरम्यता, अच्छी या सामान्य दीर्घता लिए हुए होते हैं। रेयन यह एक विनिर्मित रेशा है, इसलिए इसे आकार एवं आकृति नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही इसके अपशिष्ट सामग्री के पुनः संसाधित किया जा सकता है। नायलॉन काफ़ी मजबूत व अपघर्षण रोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग ब्रश, स्टॉकिंग्स निर्माण में किया जाता है। पॉलिस्टर रेशा, इसमें सलवटें नहीं पड़ती है, यह पारदर्शी एवं चमकीला होता है।
एक्रिलिक इस रेशो में उच्च दीर्घ रूपता और बेहतर सुरा सम्यता नम्यता होती है। इलास्टोमेरी रेशा होता है यह मुख्यतः कम सुरम्यता लिए हुए होते हैं। रेशो में साथ मिक्स किया जा सकता है। इसका तीसरा प्रश्न है, सूत क्या है? सूत को संसाधित करने की विभिन्न विधियां क्या है? सूत है सूत वस्त्र ऐसे फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री से लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि कपड़ा तैयार करने के लिए एक प्रकार में धागों में बनाई जाती है। सूत संसाधित करने की विधियां, सूत संसाधित करने की अर्थात रेशे के सूत में परिवर्तन करने के कई चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। सफाई, ये प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः उसके स्रोत के आधार पर कपास के बीज अथवा पत्तियों को ऊन से टहनियों और ऊर्ण स्वेद जैसे कि बाह्य अशुद्धियाँ होती है उसे हटाया जाता है, रेशों के अलग किया जाता है। लेटस, ढीले रेशों को वेल्टर शीट में परिवर्तन किया जाता है पुनी बनाना। लैप्स को खोला जाता है और इन्हें सीधा किया जाता है। प्रक्रिया में कार्डिंग, घुलना, कॉम्बिंग, झाड़ना कहा जाता है। कार्डिंग में रेशों को अलग अलग किया जाता है, इन्हें सीधा एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। तत्पश्चात इसकी कॉम्बिंग की जाती है। इसके बाद लेप किप से आकार में यंत्र के निकाला जाता है। इसके लिए पुनी बनाने में सहायता मिलती है और पुनी खुले रेशों को रस्सी बांध कर ढेर किया जाता है। उसमें व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। फिर है तनुकरण बांधना बटना। रेशों को लंबे तंतुओं में परिवर्तन कर देने के पश्चात इन्हें अपेक्षाकृत आकार में बदलने की आवश्यकता होती है, इसे तनुकरण कहा जाता है। समरूपता हेतु कई पुनियों में जोड़ा जाता है, फिर इन्हें उन्हें धीरे धीरे ताना जाता है ताकि वे लंबी व बेहतर हो सके। ताने के पश्चात पुनी को रॉबिंग मशीन, पुनी बनाने की मशीन में डाला जाता है, जहाँ इसे तब तक तनु किया जाता है जब तक कि वह उसमें मूल व्यास में 1/4, 1/8 के माप में नहीं हो जाती। अब इसे बटा जाता है ताकि रेशे जुड़ सके। कताई किसे कहते हैं? कताई सूत संबंधी करने की अंतिम विधि होती है। प्राकृतिक स्टेपल रेशों को सूत से संसाधित करने की कताई कहते हैं। इस चरण में तंतु को सूत के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। इसे अपेक्षित शुद्धता के लिए और फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गुथा जाता है, मथा जाता है। शंकु कौन लपेट दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, कपड़ा उत्पाद की प्रक्रिया बताइए। अधिकांशतः कपड़े जो हम देखते हैं सूत से बने हुए होते हैं, फिर भी कुछ कपड़े सीधे रेशों से ही बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने के लिए मुख्य विधियां बताई गई, कुछ हद तक गुथे, बैंडिंग और गांठ लगाना नॉटिंग कहते हैं। कपड़ा उत्पादन की प्रक्रिया विवरण निम्न प्रकार है। बुनाई, यह वस्त्र कला का सबसे पुराना और बुनाई है तो सूत में 2 सेटों का उपयोग किया जाता है जिन्हें समकोण पर परस्पर अंतर्ग्रंथित किया जाता है। बुनाई हेतु सूत के एक सेट को करघे पर लगाया जाता है। बुने जाने वाले कपड़े को लंबाई चौड़ाई निर्धारित करता है, इन्हें ताना सूत वस्त्र कहा जाता है। करघे की सहायता से इन सूतों को एक निर्धारित प्रतिबल समान दूरी पर रखा जाता है। तत्पश्चात दूसरे सूत को पूरक पिनिंग कहते हैं। सूत कपड़ा बनाने के लिए अंतर्ग्रहित किया जाता है, इसे साधारणतः अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब पूरक सूत एकांतर रूप से एक पंक्ति में ताना सूत के रूप में नीचे से निकाला जाता है तो दूसरी पंक्ति में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। पूरक सूत को ताना सूत के विभिन्न संख्या के आकार ऊपर नीचे एक विनिर्स स्टम में निकाल कर विभिन्न डिजाइन बनाया जा सकता है। करघे से जुड़े डॉबी व जैकवॉट जैसे कि अटैचमेंट प्रतीकात्मक डिजाइन बनाने में सहायता मिलती है। ताना और पूरक सूत के लिए अलग अलग रंगों के सूत का उपयोग करने में डिजाइन और स्पष्ट हो जाते हैं। बने हुए कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ताना सूत लंबाई के ग्रेन की ओर अथवा किनारे की ओर जाता है। पूरक सूत चौड़ाई के ग्रेन अथवा बेड बाना की ओर जाता है। अतः बुने हुए कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को किनारा, सेल्वेज और बाना बेड कहा जाता है। उनकी बुनाई निटिंग, सूत के कम से कम 1 सेंटीमीटर इंटरलिपिंग के निटिंग ऊन की बुनाई कहते हैं। यह स्पष्ट कपड़े के लिए 2 सलाइयों और गोलाकार कपड़े के लिए 4 सलाइयों का उपयोग किया हाथ से द्वारा बनाया जा सकता है। मशीन निटिंग कही जाती है। इस प्रक्रिया में निटिंग वाली सलाई और मशीन के बेड के साथ साथ फंदे फैले जाते हैं। प्रत्येक अगली पंक्ति में पिछली पंक्ति के फंदों को इंटरलूपिंग से बनाई जाती है। सामग्री चौड़ाई के साथ साथ सूत आगे बढ़ता जाता है, इसलिए पूरक आकार में वैक्ट लिंटी कहा जाता है।
निटिंग की इस विधि का प्रयोग उन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है जिन्हें वस्तु आकार दिया जाता है। औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले निटिंग मशीनें बुनाई जाने वाली करघा मशीनों की तरह होती है। इसमें सूत व सेट मशीन पर फिट किया जाता है ताकि तान सूत की तरह संगत सूत के साथ इंटरलुकविंग की जा सकता है। ताना निटिंग कहा जाता है। इसमें सतह तल लंबाई वाली सामग्री बनाई जाती है जिसे काट कर सिल दिया जाता है। ठीक है। वेडिंग गुथना, गुथे हुए कपड़ों को सतह विकर्ण कर हो जाती है। तीन या अधिक सूत के गुथने बनाया जाता है। इसमें एक स्थान से आरंभ होती है और अंतः ग्रंथियों में पूर्व समानांतर होती है। जूतों की फीतें, रस्सियाँ, झालर जैसे की वस्तुएं वेडिंग दिखाई जाती है। नर्स जाल, खुले हुए जालीदार कपड़े जिसमें कि सूतों के बीच में बड़े ज्यामितीय अंतराल होता है। इन्हें हाथ या मशीन के सूत के आपस में गांठ बांध कर इंटरलॉकिंग करके बनाया जाता है। लेस या विकृत कार्य वाला कपड़ा होता है जिसमें सूत की जाल से बनाए गए सूत डिजाइन होते हैं। यह सूत बटने, अंतरवयन, आर पार बुनाई वाले होते हैं। गांठ बांधने से निटिंग की प्रक्रिया में सम्मिश्रण उत्पाद होता है। निम्नलिखित रेशों के प्रत्येक के तीन गुणधर्म बताइए। कपास, लेनन, ऊन, रेशम, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक। कपास के गुणधर्म। कपास एक प्राकृतिक सेलुलोजिक स्टेपल रेशा होता है। यह सबसे छोटा रेशा, इसलिए सूत अथवा बनाया हुआ वस्त्र दिखने में चमकहीन होता है। छूने पर थोड़ा खुरदरा लगता है। यह सामान्य रेशों की तुलना में भारी भी होता है। कपास में नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है। यह सरलता से सूख भी जाता है, इसलिए गर्मियों में इसका उपयोग आरामदायक होता है। तीसरा है भिन्न भिन्न भार, सूक्ष्मता, बनावट व परिष्करण वाले सूती वस्त्र कपास के सूत्र से बनते हैं, जैसे कि मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लट्ठा, डेनिम। लिनन के गुणधर्म। यह भी एक सेलुलोसिक रेशा होता है। इसमें कई प्रकार के गुणधर्म कपास जैसे ही होते हैं। इसका रेशा कपास के लंबा और सूक्ष्म होता है। इसे सूत मजबूत और अधिक चमकीला होता है। यह भी कपास की तरह नमी को तत्काल सोख लेता है। इसमें आरामदायक भी होता है। ऊन के गुणधर्म की बात करते हैं। ऊन प्राकृतिक प्रोटीन रेशा होता है। यह भेड़ की प्रजाति, पशु शरीर के अंग के अनुसार खुरदरा या नरम हो सकता है। इसमें प्राकृतिक सिकुड़न होती है। इसके कारण इसमें लोच या लंबाई जैसे गुणधर्म जैसे होते हैं। अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम मजबूती होती है, लेकिन इसमें लचीलापन और सुरम्यता होती है। ऊन में सतही शुष्क होता है। जल विकर्षण के क्षमता के कारण यह आर्द्र व ठंडे पर्याप्त में आरामदायक होती है। रेशम के गुणधर्म। रेशम भी एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। इसमें स्वाभाविक रंग से श्वेतांब के लेकर क्रमी तक का होता है, जबकि जंगली रेशम जो भूरे रंग का होता है। रेशम के तंतु बहुत लंबे और सूक्ष्म चमकीले होते हैं। द्रुति अथवा चमक अपेक्षाकृत अधिक होती है। रेशम में प्राकृतिक गोंद होता है जो कि विशुद्ध बनावट प्रदान करता है। रेयन के गुणधर्म। चूंकि रेयन एक निर्मित रेशा, इसलिए आकार में प्राकृतिक नियंत्रित किया जा सकता है। रेयन रेशम का व्यास समान होता है। इसे स्वच्छ और चमकीला होता है। सेलुलोजिक रेशा होने के कारण इसके अधिकांशतः गुणधर्म कपास जैसे होते हैं, लेकिन यह कम मजबूत, कम टिकाऊपन लिए हुए होता है। नायलॉन का गुणधर्म। नायलॉन तंतु सामान्यतः नरम, चमकीले और व्यास का होता है। नायलॉन काफ़ी मजबूत अपघर्षण रोधी होता है, इसलिए रोधी होने के कारण इसका उपयोग ब्रश, कंपोस्ट आदि में उपयुक्त होता है। नायलॉन अधिक लचीला होता है। स्टॉकिंग्स जैसे कि आकार में वस्त्र तो बहुत महीन और पारदर्शी रेशों का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक गुणधर्म। या अन्य विनिमित रेशों की तरह इस रेशे की लंबाई कपास और महीनता निर्माण द्वारा नियंत्रित की जाती है। एक्रिलिक रेशे अलग अलग प्रकार के लहरदार और चमकीले बनाए जाते हैं। एक्रिलिक के रेशों का उच्च दीर्घता रूप में बेहतर सुरम्यता होती है। ये लेसन हम पाँच का था। ठीक है, आप लोगों ने इसमें देखा होगा और इसको अपनी कॉपी में आप आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर लेसन के आपको प्रोवाइड किए हैं।